शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सेवन से न्यूज चैनल, मैं हूं जुगल किशोर। तो खबर सेवन से न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं अपना दल यश के युवा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप पटेल के घर कुछ कार्यक्रम में शिरकत करने आए। हमारे साथ अपना दल यश के प्रदेश सचिव पप्पू माली जी और साथ में जिलाध्यक्ष श्री राजनाथ पटेल जी हमारे साथ में हैं। और आइए हम उनसे कुछ वार्ता करेंगे कि जो आने वाला ये जो लोकसभा चुनाव है अपना दल यश का, इसमें पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। आइए सीधे हम आपको लेके चलते हैं, रूबरू कराते हैं आपसे प्रदेश सचिव पप्पू माली जी से। आइए उनसे हम बात करते हैं कि उनकी पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी। जी सर बताएं। हम लोगों का गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का। और हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी इस समय केंद्र में सरकार में शामिल हैं और लोकसभा 2019 का चुनाव हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और संभवतः हमको 5 लोकसभा सीट मिलने की संभावना है। मछली शहर लोकसभा सीट हमारे कार्यकर्ता हम लोग मांग रहे हैं कि अपना दल यश के खाते में मिल जाए तो हम लोग एक सीट जिता लेंगे। और मजबूती के साथ हम लोग संगठन को तैयार कर रहे हैं, बूथ स्तर तक अपना दल यश का संगठन गठन हो चुका है और आगे भी बहुत तेज़ी से अपना दल यश मजबूती के लिए काम कर रहा है और बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता सक्रिय दिन रात काम कर रहे हैं। अच्छा पप्पू माली जी, ये बताइए कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है इसमें क्या जो केंद्रीय मंत्री आपके अनुप्रिया पटेल जी हैं ये 5 सीटों पे ही समझौता करेंगे, कुछ और सीटों की ज़्यादा उम्मीदें हैं? अभी तो भारतीय जनता पार्टी हमको लगता है कि आखिरी निर्णय पर नहीं पहुंचा है कि हमको कितना सीट देंगे, लेकिन जो लग रहा है कि 5 से 7 सीट अपना दल के खाते में मिलने की संभावना हमको लग रही है। हमारी नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के बीच में बातचीत चल रही है। अच्छा कुछ ऐसे भी अटकलें आई थी बीच में कि जो अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी माताजी जो कृष्णा पटेल अपना दल पार्टी है, क्या ऐसा विलय भी संभावना ऐसी कुछ बातें बीच में आई हुई थी जब माताजी की तबीयत खराब थी, तो क्या ऐसी भी कुछ संभावना है कि आप लोग विलय करके एक साथ चुनाव लड़ने की संभावना है? ये माननीय बहन अनुप्रिया पटेल और माताजी की बात है, इस पर हम लोग कार्यकर्ता हैं, इस पर कुछ कहना हम लोगों के लिए असंभव सी बात है। पारिवारिक मामला और पारिवारिक मैटर पर अपना दल कार्यकर्ता इस पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू माली जी। आइए हमारे साथ इस समय हमारे जो है जिलाध्यक्ष जी साथ में हैं राजनाथ पटेल जी। आइए हम उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे कि जो आने वाली इस लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी की गतिविधि क्या है, किस तरीके से वे बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं और आने वाली उनकी क्या भूमिका रहेगी। आइए सीधे हम आपको रूबरू कराते हैं जिलाध्यक्ष राजनाथ पटेल जी से। जी सर बताएं। जी लोकसभा की तैयारी को देखते हुए जिले से लेकर और बूथ तक का संगठन हम लोगों का बहुत मजबूती के साथ तैयार हो रहा है जी। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष बूथों को गठन कर रहे हैं, जहां आवश्यकता पड़ती है वहां जिले के पदाधिकारी लगाए जाते हैं, प्रदेश के पदाधिकारी लगाए जाते हैं। हम लोगों की तैयारी 2 महीने में एकदम पूर्ण हो जाएगी जी। तो क्या अभी जो आगामी ग्राम स्तर पर जो बूथ स्तर पर मीटिंग होती है, क्या इस तरह की मीटिंग अपना दल यश के द्वारा किया जा रहा है? जी इस महीने से हम लोग शुरू कर दिए हैं बूथ स्तर तक की बैठक। जी मतलब इस महीने से आप जो है मासिक बैठक और जो बूथ स्तर का जो कार्यक्रम होता है ये आप स्टार्ट कर चुके हैं, क्या कोई और नई गतिविधि है उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? नई गतिविधि का संगठन तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके लिए हमारे सभी जिले से लेकर प्रदेश से लेकर बूथ तक के सेक्टर के लेकर सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपना दल यश का गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, जो भी निर्णय लेगा हम उसके साथ मजबूती के साथ लड़ेंगे जी। तो जो गठबंधन है आपका, क्या इसमें मजबूती है कि कोई दरार पड़ने की संभावना है, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी बयान देते हैं, क्या इस तरह की ऐसी कोई बात है? नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं है, सब निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। योगी जी का जो रामराज का सपना है जी। और आइए हम आपको कुछ और जानकारी लेते हैं पप्पू माली जी से कि जो योगी जी का जो सपना है रामराज का, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप जो अभी
पूरे साधु संत जो है अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं, इसको लेके आप अयोध्या मंदिर पे क्या कहेंगे? हमारी नेता जी का स्पष्ट कहना है कि मंदिर मुद्दा हमारे अपना दल के एजेंडा में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जी। और योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय, उनका जो कल्पना है कि रामराज को लागू करना, रामराज को लाना, हम लोग अपना दल के लोग समझते हैं कि रामराज की कल्पना तभी संभव हो सकता है जब गांव गिरा का गरीब किसान मजदूर दलित थाने पर जाए किसी समस्या को लेके, तो वहाँ थानेदार के सामने की कुर्सी खींच के बैठ के अपनी बात को थानेदार से कह ले, तो हम जानेंगे कि रामराज की कल्पना हो सकती है। लेकिन अभी वो समस्या नहीं है कि हमारे गरीब मजदूर थाने पर जाके और कुर्सी खींच के थाने पर बैठ के अपनी समस्या को कह सकते हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें कि जब तक गरीब गांव गिराओं का किसान मजदूर दलित अपनी बात को थाने पर एसओ दरोगा पुलिस से कह के अपनी समस्या को निदान नहीं पा सकता, तब तक हम लोग रामराज की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि थाने पर जिस तरह से दलाली हो रही है, नेतागिरी हो रही है, गरीब आदमी वहाँ जाके फिर वापस आता है, नेताओं का चक्कर लगाता है, दलालों का चक्कर लगाना पड़ता है, तो हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस पर पुनर्विचार करें कि ये समस्या कि थानेदार और पुलिस में कैसे सुधार हो, इस पर कुछ किया जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू माली जी। आइए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। मैं खबर 7 न्यूज़ चैनल के साथ आशीष कुमार सिंह, न्यूज़ रिपोर्टर रामपुर जौनपुर।